छब्बीस जनवरी में आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं प्रदान करता हूं कि एक महापर्व है। इस महापर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाएं, भाईचारे के साथ मनाएं। हमने जिस धरती पर जन्म लिया, यह एक मातृभूमि है। इस मातृभूमि की भावना हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम कहते हैं कि जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में मांगे मातृभूमि से यह वर, कि तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। ये भावना हमारे अंदर हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानियों के मन में वो हिंदुस्तान जो शब्द है, वो हिंदुस्तान शब्द तभी सार्थक होता है जब हमारे अंदर भारत माता के प्रति ये भावना होगी। क्योंकि हमने जिस मातृभूमि पर जहाँ जन्म लिया, उस मातृभूमि के प्रति हमारी श्रद्धा पूरी होना चाहिए। और यह एक 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जो है, यह एक महापर्व है और यह मातृभूमि के प्रति भी एक श्रद्धा का पर्व है, क्योंकि हम भारतवासी हैं और भारतवासी एक भारत ही ऐसा देश है जिसको हम माँ का दर्जा देते हैं। किसी अन्य देश को कभी भी माँ का दर्जा नहीं दिया गया है। इसलिए इस अवसर पर मैं इतना कहना चाहता हूँ कि यह महापर्व है, इस महापर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाएं। 26 जनवरी के अवसर पर मैं यही शुभकामनाएं प्रदेशवासियों को और नगरवासियों को देना चाहता हूं। भारत माता की जय।